दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंद वॉइस में। बात करेंगे हम थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे नेहरू मेमोरियल की। नेहरू मेमोरियल जिस पर कांग्रेसियों का एक कब्जा था पिछले 72 सालों से, जब से वो मेमोरियल बना है तब से उसमें कांग्रेस के सदस्य ज़्यादातर रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि इस सरकार ने उस मेमोरियल को कांग्रेस मुक्त बना दिया है। वैसे वो कांग्रेस को देश से मुक्त करने की बात करते हैं लेकिन वो तो नहीं कर पाए। हाँ, इनके नेहरू मेमोरियल से कांग्रेस मुक्त कर दिया गया। अब इसमें कोई भी कांग्रेस नेता इसमें शामिल नहीं। इसके सदस्य जो पहले 34 हुआ करते थे अब वो 28 रह गए हैं, और इसमें नए सदस्य में जो कुछ नए शामिल हुए हैं जिसमें रजत शर्मा जो टीवी एंकर हैं, परसून जैसी जो गीतकार हैं, और इसमें अध्यक्ष जो राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह भी इसमें हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता अब इस मेमोरियल का सदस्य नहीं रहा। उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मोहित शर्मा है जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस के लिए काम भी करते हैं, तो उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। जी मोहित, देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रही है, ये तो आपको हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन से ही पता चलना गया होगा कि लोगों की हालत क्या है। तो ये जो इनकी सोच है कि कांग्रेस से मुक्त करना, तो कांग्रेस तो पूरा समुद्र है और ये हैं छोटी छोटी नदियाँ। इन्हें ये नहीं पता कि ये समुद्र इन नदियों को बहा के ले जाएगा अपने साथ। और ये जो बदलाव की राजनीति कर रही है, आक्रोश की राजनीति कर रही है, बदले की राजनीति जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है इस तरीके की राजनीति करना। आपने देखा कि मल्लिकार्जुन जैसे खड़गे जी का भी नाम नहीं है इस लिस्ट के अंदर। आप नेहरू जी का नाम बदलते जा रहे हैं, पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि नेहरू जी को आप भले ही भारतीय जनता पार्टी वाले या आरएसएस वाले अपने दिल से निकाल सकते हैं या उनको कार्यालय से निकाल सकते हैं, उनकी फ़ोटो को हटा सकते हैं, पर इस देश की जनता के दिल से नेहरू जी को नहीं निकाला जा सकता। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप नेहरू जी को बच्चे, नेहरू जी को बहुत प्यार था बच्चों से, आपको बताना चाहता हूँ कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए बच्चे जो है उनका जन्मदिवस भी मनाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आक्रोश की राजनीति से सिर्फ अपने आपसी लोगों को या आरएसएस वाले या बीजेपी वाले अपने दिल से नेहरू जी को निकाल सकते हैं, पर इस देश की जनता ना कभी नेहरू जी को भूली थी ना कभी भूल सकती। चाहे आप उनकी फ़ोटो को लगाएं चाहे ना लगाएं, पर इस देश की जनता नेहरू जी को हमेशा याद करती है जी। और दूसरी बात, आपने देखा कि मेमोरियल से, म्यूजियम से, लाइब्रेरी से नेहरू जी की फ़ोटो को हटाना या फिर जगहों का नाम बदलना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जगह का नाम बदलने से या फरोशा कोटला का नाम बदल के रखने से, अरुण जेटली स्टेडियम बदल के रखने से या फिर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखने से वहाँ पर अपराध कम नहीं हो जाते। आपको लोगों की सोच बदलनी चाहिए, लोगों की सोच में बदलाव लाइए। आपने नेहरू जी का नाम हटा दिया, क्या नेहरू जी का नाम आप इतिहास से हटा सकते हैं क्या? आप अब यहाँ पे मेमोरियल का नाम तो नहीं हटाया, खैर मेमोरियल का नाम तो वही रहेगा, कुछ और जगह के नाम है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जी, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ किसी भी कांग्रेसी को उसमें शामिल नहीं किया गया। खाली इस बात पे नहीं किया गया कि कांग्रेस सरकार नहीं है, या इस बात पर या उन्होंने ये मान लिया कि जी हाँ नेहरू सारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। देखिए आपने कही, ये जो मैं आपको एक बार फिर रिपीट करूँगा कि ये बदले की राजनीति है, आक्रोश की राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश की जनता जब किसी सरकार को चुनती है तो उसे हटाना भी जानती है। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भाजपा को और आरएसएस को बखूबी याद रखनी चाहिए। आप नेहरू जी का इतिहास, आप कांग्रेस पार्टी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं आप ये बताइए। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, और कई राज्य हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और बहुत बड़े माइंडेड से लोगों ने कांग्रेस को जिताया है। अभी आपने हरियाणा के इलेक्शन में देखा कांग्रेस को, वो तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सा अगर और मेहनत करती तो पूर्ण बहुमत वहाँ कांग्रेस पार्टी लेकर आती। तो आपने बात करी कि कांग्रेस को तो मुक्त करना बहुत ही असंभव है, और दूसरी बात आपको बताऊँ, जितना सत्ता पक्ष की ज़रूरत है उतना ही विपक्ष की ज़रूरत है, और कांग्रेस पार्टी इस देश का एक मजबूत विपक्ष है और एक मजबूत सत्ता पार्टी भी है। कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर और कई राज्य हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और वहाँ बहुत अच्छा कार्य भी कर रही है। तभी आपने देखा कि हरियाणा के अंदर जो आप वहाँ पर 370 को लेके पहुँचे थे, वहाँ की जनता ने आपको जवाब दे दिया कि वहाँ के लोग इतने समझदार हैं हरियाणा के कि उन्होंने वोट दिया कांग्रेस को, और आपने देखा कि वहाँ पर कांग्रेस बहुत अच्छे माइंडेड से आई। तो ये तो आरएसएस वालों की एक सोच है और एक घटिया सोच बोलता हूँ मैं, से घटिया सोच बोलता हूँ कि वो कांग्रेस मुक्त करने की बात करती है, बल्कि एक अच्छे विपक्ष को प्रोत्साहन करना चाहिए सत्ता पक्ष को भी, क्योंकि सत्ता पक्ष भी जब ही कार्य करता है जब विपक्ष होगा, और कांग्रेस पार्टी इस देश का एक मजबूत विपक्ष है। और जो लोग ऐसी धारणा बनाए हुए दिखाई देता आपको विपक्ष,
कहाँ किस मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई दें, जो मुद्दे इनके अगेंस्ट होते हैं उस पर भी वो सहमति जता देते हैं। देखिए देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मजबूत विपक्ष है कांग्रेस पार्टी, पर आप देखिए कि ईडी सीबीआई और पुलिस के डर से, क्योंकि जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है या तो उसके पीछे ईडी लग जाती है या सीबीआई लग जाती है। तो ऐसा कुछ किया होगा ना जिससे डरते हैं? नहीं, फिर आप भाई बात, अब आज मैं आपके चैनल पे बयान दे रहा हूँ, अब मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। जब आप देखिए कि इस देश के पत्रकार सुरक्षित नहीं है भाजपा के राज में, तो हम आम जनता का क्या होगा? आप ये बताइए ना कि आप, तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या वो पत्रकार गुनहगार था जिसने यूपी के अंदर सच्चाई को दिखाया? आपसे एक शब्द में जवाब चाहता हूँ, हाँ या ना, ये बताइए। अगर वो गुनहगार नहीं था तो उसको सजा क्यों हुई? क्यों गया वो जेल तक भी? क्यों कोर्ट में उसको भेजा गया? सिर्फ इतनी सी बात पे कि उसने एक सच्चाई दिखा दी कि स्कूल में किस तरीके से बच्चों को खाना दिखाया जाता है। तो जब इस देश में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, इंजीनियर सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, तो हम आम जनता का क्या होगा? आप खुद ही बताइए ना। तो इसी बात को लेकर वापस नेहरू मेमोरियल पर, अभी कांग्रेस पर क्या सोचेगी, कोई एक्शन लेगी, कोई बयानबाजी अभी तक की है उन्होंने? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस पर अभी ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि अभी ये जल्द ही हाल की ही घटना है। दूसरी बात, मैंने अभी आपको बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे बड़े नेताओं का भी नाम भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट में शामिल नहीं करा है, जबकि दूसरी बात आपने देखा कि इसमें रजत शर्मा जो टीवी एंकर हैं उनका भी नाम है, फिर और भी कई लोग हैं, गीतकार हैं, उनका भी नाम है। तो ये आप इस तरीके की राजनीति ना करें कृपया कर। और दूसरी बात, जो आप एक सोच बनाए हुए कि कांग्रेस मुक्त, तो ये सपना तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए, क्योंकि कांग्रेस अब वापसी पे है और वापसी लौटेगी, सत्ता में जल्द ही लौटेगी, क्योंकि जनता अब ऊब चुकी है इस हिटलर के शासन से। अच्छा। जी चले देखें, अगर आपसे इनमें फुटबाजी ख़त्म होती तो कांग्रेस कुछ अच्छा ढंग का कर सकती है, क्योंकि हरियाणा चुनाव महाराष्ट्र चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस भले ही किया हो, लेकिन उसे जनता का समर्थन माना जाए, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ ऐसा कोई काम नहीं किया, इस तरह की तैयारी नहीं की थी, रणनीति उन्होंने इस तरह से नहीं की थी, ये तो वहाँ क्लियर था। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि खैर, बीजेपी का जो सपना था कांग्रेस मुक्त भारत का, उन्होंने एक हॉल से वो निपटा लिया फिलहाल, तो हो सकता है उनको उस चीज़ से ही खुशी मिल जाए। इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कांग्रेस मुक्त भारत भले ही ना हो, लेकिन हाँ, कांग्रेस मुक्त नेहरू मेमोरियल जरूर हो गया है और नए सदस्य उसमें शामिल हो गए हैं। तो इसके ऊपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।